तो लगातार हमने आपको दिखाई तस्वीरें जब छिंदवाड़ा की इन गलियों से अमित शाह का रोड शो निकला है और हमने आपको दिखाया किस तरह से न सिर्फ सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था बल्कि जो घर थे यहाँ पर उनकी छतों पर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे अमित शाह की झलक को देखने के लिए। हाथों में सबके मोबाइल कैमरे निकले हुए थे ताकि वो झलक को रिकॉर्ड कर सके और इन दर्शकों में एक बड़ा वर्ग था स्थानीय महिलाओं का भी। और इसीलिए जैसे ही रोड शो निकला जब ये महिलाएं अपने अपने घरों को जाने के लिए निकल रही थी यहाँ से मैंने इनको रोक लिया, बीच में ही पकड़ लिया क्योंकि इनके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। क्या नाम है आपका? स्मृति जैन। स्मृति, आप छिंदवाड़ा से ही हैं? हाँ। कितने साल से रहती हैं? 20 साल हो गए। अच्छा, आज क्यों इतना खुश थी आप? ये क्योंकि जो आज गोलगंज का माहौल, गोलगंज में ही रहने वाली हूँ मैं, तो जो गोलगंज का माहौल है 20 सालों में पहली बार देखने मिला। जिस तरह से आज केसरिया रंग में डूबा हुआ है गोलगंज, उस तरह से आज तक कभी नहीं मिला। लग रहा है कि बिल्कुल केसरिया रंग आ ही गया है। और जो गाना, जो सॉन्ग चल रहा था कि राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, तो आज से ही हमारा आंगन सज गया है। परसों रामनवमी है तो राम आएंगे जरूर। आंगना तो सज गया है, जरा सुना भी दीजिए फिर हमें। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, बनके दीप जलाऊंगी, बाकी सब लोग भी साथ दीजिए भाई। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, बनके दीप दिवाली जगमगाऊंगी। अच्छा, रामनवमी है और उससे पहले ये अमित शाह का रोड शो, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर तो चाहे कितनी भी ताकत कोई भी दिखा ले, लेकिन चलता सिक्का नाथ परिवार का ही है। इस बार उल्टा होने वाला है, इस बार बंटी साहू ही जीतेगा, ऐसा हम लोग को पूरा विश्वास है। आपका भी विश्वास है? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि जीतना ही चाहिए। हर घर मोदी, बंटी साहब, हर घर मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी के लिए जो महिलाएं हैं वो बहुत, उनकी बहुत बड़ी फैन है, ऐसा है? बिल्कुल हूँ मैं मोदी की बहुत बड़ी फैन हूँ और उनके की, हाँ, उनके किए हुए काम को बहुत बहुत पसंद करती हूँ मैं। कौन से काम को? जो भी उनने, मतलब नेशनल, नहीं नहीं, ये महिलाओं से बातचीत है। नहीं नहीं, पुरुष यहाँ पर वो ना करे, वो शटर ना करे, महिलाएं बोलेंगे जी। 370 कश्मीर में झंडा फहराना, राम मंदिर, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम मोदी को ही बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज, जब मोदी का नाम आता है तो एक प्राउड फील होता है, लगता है कि हाँ कुछ है, और जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ के मोदी हैं, इसलिए। और करम दिखता है, तो इसके लिए भी मैं गाना गाना चाहूंगी। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। यही भावनाएं जो इस सॉन्ग में है, ये भावनाएं हमें मोदी जी में दिखती है, इसलिए हमें मोदी जी पसंद। अच्छा, आप पीछे खड़ी हैं आंटी जी, एक मिनट मैं थोड़ा सा आगे आके आपसे बातचीत बढ़ाती हूँ। हाँ जी, आप बताइए कितने साल से छिंदवाड़ा में है? मेरे को 32 ईयर हो गए हैं। अच्छा, क्या क्या बदला है छिंदवाड़ा में? बहुत सारी चीजें बदल गई है, मेडिकल कॉलेज आ गया है, यूनिवर्सिटी आ गई है, और मतलब रिंग रोड बन गया, चारों तरफ बहुत अच्छा है हमारा। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ जो अब तक ना हो पाया हो, इसलिए अभी तक ऐसे मोदी जी ने रोड शो नहीं किया हमारे यहाँ। एक बार सिटी के अंदर करो तो बहुत मजा आएगा, जैसा अमित शाह जी का हुआ ऐसा मोदी जी का भी होना चाहिए। मोदी जी को बुलाइए। हाँ। बिल्कुल, मोदी जी को आना चाहिए। एक बार हम मोदी जी को देखना चाहते हैं। कह दीजिए, मिलकर खुद ही अपील कर दीजिए आप लोग। आइए मोदी जी, आप बिल्कुल वेलकम। छिंदवाड़ा में स्वागत है, छिंदवाड़ा में स्वागत है, वेलकम। छिंदवाड़ा का स्वागत देखिए कैसा है, अच्छा लगेगा उनको। अभी तो आप लोग छत पर खड़े होकर देख रहे थे, छत से कूद तो नहीं पड़ेंगे अगली बार? शायद, हो सकता है ऐसा भी करे, हो सकता है। नहीं, कर सकते, बड़े फैन है हम, बहुत बड़े फैन है। देखे फिर और ज्यादा।
हो सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ महिलाओं का उत्साह, कितने खुश हैं और क्या मन में विचार चल रहा है। अब पहले फेज में ही छिंदवाड़ा में वोटिंग होनी है और इसीलिए आपने यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी देखा है बीजेपी का। खैर, ये तो महिलाओं से हल्की फुल्की बातचीत थी, बस जानना था कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं वो लोग, और हमने आपको बातचीत तक पहुँचा है। सिर्फ महिलाओं की बातचीत नहीं बल्कि हर वर्ग की कहानी, जो उनके मन में विचार है चुनाव से पहले, क्योंकि यही एक वक्त है जब जनता की बात सुनने के लिए हर कोई पहुंचता है, तमाम नेता भी पहुंचते हैं, उसके बाद तो सभी को रहता है 5 साल का इंतजार। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको देखते रहिए, मैं पढ़ना मौजूद आपका हर तस्वीर हर बात पहुंचाती रहूंगी।